नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्टैटिस्टिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है UGSTAT 102, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का ब्लॉक 1, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के यूनिट 2, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। इससे पहले भी कई लेक्चर्स में मैं ये कह चुकी हूँ कि स्टैटिस्टिक्स को अगर हम कहीं भी ब्रेक करेंगे तो आगे की प्रॉब्लम, आगे के सम्स हैं वो हमें समझ में नहीं आएंगे, या आगे की जो थ्योरी है वो समझ में नहीं आएगी। जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के केस में सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक थी, प्रोबेबिलिटी, ठीक उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी थ्योरी के केस में फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, सारे लेक्चर लगभग एक दूसरे से लिंक्ड हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए सभी के माइंड में, उसी के बाद हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी आज की जो यूनिट है वो समझ में आएगी। तो आप सभी लोगों ये एश्योर हो जाएं कि आपको फर्स्ट यूनिट एकदम क्लियर है। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को देखते हैं तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में इस यूनिट में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले समझने की ये कोशिश करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। अगर हम एक डे टू डे एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ टीवी का सेल या होम अप्लायंसेस की सेल सबसे ज़्यादा ईयर में कब होती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वैसे तो साल भर सेल होती रहती है, होल ईयर सेल होती है। किसी भी महीने में आदमी जाके जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो पर्सन जाके सामान ले लेता है। लेकिन फिर भी इन जनरल अगर हम देखते हैं तो दीपावली के टाइम पर सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, दिवाली। दिवाली के टाइम पर हमारी सेल का आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा सेल हो रहा है। उसी तरीके से पैंडेमिक के टाइम पे हमारे मास्क और सैनिटाइज़र्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। इससे पहले भी सैनिटाइज़र्स यूज़ किया जाता था, बच्चे या और भी लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, मास्क भी यूज़ किया जाता था। सेल इंक्रीज़ कब हुई, जब ये पैंडेमिक हमारे सामने आया, पैंडेमिक की सिचुएशंस आई तो उसकी सेल हमारे पास सबसे ज़्यादा हुई। इसी तरीके का कुछ एग्ज़ाम्पल्स, एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि कार्ड अगर कोई प्ले कर रहा है, कंडीशन है कि हमारे पास 52 कार्ड्स का एक वेल शफल्ड पैक है, उसको हम प्ले कर रहे हैं, उसके बाद रेड 4 कब आएगा, नंबर आना है, तो कंडीशन हो गई कि हमारे पास रेड कार्ड्स जो है पहले से गिवन है, रेड गिवन है, फिर हमारे 4 उसमें से आएगा, तो वो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस तरीके के जो एग्जांपल्स हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर आएंगे। आगे देखते हैं इसको। ये जो आज हमारी यूनिट है, यूनिट 2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। इन इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट मे इन्फ्लुएंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम अदर इवेंट्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट may influence with the probability of occurrence of some other events. The objective of present unit is to introduction the concept of conditional probability of an event subject to the information that some other event has already occurred. कोई इवेंट पहले से अकर हो चुका है, फिर उसके बाद हम किसी की प्रॉबिबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हमारी कंडीशनल प्रॉबिबिलिटी होगी। वेरियस रिजल्ट रिगार्डिंग द कंडीशनल प्रॉबिबिलिटी हैव बीन गिवन। The basic concept of independence of two events and mutual independence of several events have been introduced. Now, conditional probability. अभी एक day to day example आपको दे चुके हैं, यहाँ दूसरा example. Consider a lot of 100 items with 20 defectives. Two items are selected randomly, number one, with replacement and without replacement. अब इसका प्रूफ अगर हम देखते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट आइटम इज डिफेक्टिव एंड बी सेकेंड आइटम इज डिफेक्टिव। हमारे पास दो चांस है, क्योंकि हमें दो देखना है, या तो हमारा फर्स्ट आइटम डिफेक्टिव होगा या सेकेंड आइटम डिफेक्टिव होगा। इन विद रिप्लेसमेंट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंडिपेंडेंट हुआ ये, जिसकी प्रोबेबिलिटी 20 डिवाइडेड बाय 100, 20 क्यों, क्योंकि 20 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 20 है और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 100 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई ए और बी दोनों की, 1/5। नाउ विदाउट रिप्लेसमेंट केस, विदाउट रिप्लेसमेंट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/5, क्योंकि उसमें
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास 20 ही रहेंगे और नंबर ऑफ टोटल केसेस जो हैं हमारे पास वो 100 हो जाएंगे। लेकिन सेकेंड चांस में क्या होगा, वहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट नहीं किया है उसमें, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो हमारे पास 99 हो जाएंगे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 19/99। इफ़ हे ए हैज़ नॉट अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी इज 20/99। नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, अगर हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन की बात करते हैं, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। फॉर फर्दर मोटिवेशन कंसीडर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ओमेगा, एन ए बी द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड एन बी द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू बी एंड एन ए इंटरसेक्शन बी बी द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ए इंटरसेक्शन बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन ए विच इज इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन एंड एन ए डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कुछ रिजल्ट्स हैं इसके, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई ऑल द एक्सियोम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी मेजर्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लाइज बिटवीन 0 to 1। जिस तरीके से सभी प्रोबेबिलिटी इससे पहले के यूनिट में भी देखा था कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाए करती है, निगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक उसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी निगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इज इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 यूनियन बी 2 गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2 गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 गिवन ए इफ़ बी 1 इंटरसेक्शन बी 2 इज इक्वल्स टू 5। And next axiom, probability of union of I is equals to 1 to n bi given A is equals to summation of probability of bi given A if provided a pairwise mutually exclusive events. First ka proof, probability of B given A lies between 0 to 1. Since we have probability of A intersection B is subset of A, then probability of A intersection B less than is equals to probability of A, or which is equal to probability of B given A less than equals to greater than equals to 0, which is equals to probability of A intersection B given probability of A, which is less than is equals to 1. Next, probability of A given A is equals to 1. Iska proof, we have probability of A given A is equals to probability of A intersection A divided by A, probability of A divided by probability of A, which is equals to 1. हमारे पास next axiom है, probability of B1 union B2 given A is equals to probability of B2 given A plus probability of B1 given A if B1 union intersection B2 is equals to 5. Since B1 and B2 are mutually exclusive events, then A intersection B1 and A intersection B2 are also mutually exclusive. Hence, B1 union B2 given A is equals to probability of A intersection B1 union B2 divided by probability of A, which is equals to probability of A intersection B1 union probability of A intersection B2 divided by probability of A, which is equals to probability of B1 given A plus probability of B2 given A. Now, for the conditional probability, probability of B given A, A behaves as a new sample space, and the unconditional probability of event A, probability of A may be viewed as conditional probability of event A given omega. Ek example dekhte hain. जो पहले वाला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 2.1, उसमें अगर विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में अगर हम चलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू
40 divided by 100 and probability of B given A is equals to 39 divided by 99. Then probability of B given A complement is equals to 40 divided by 99. Then the probability that both the selected chips are defective is given by probability of A given B is equals to probability of B given A multiplied by probability of A, which is equals to 39 multiplied by 40 divided by 99 multiplied by 100. In fact, probability of A intersection given B is probability of simultaneous occurrence of event A and B. Multiplicative theorem of probability. जिस तरीके से हम लोगों ने इससे पहले की यूनिट में एडिटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी ऑब्जर्व दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. Extension of multiplicative theorem of probability. For n events a1, a2 up to an, probability of a1 intersection a2 intersection a3 intersection an, which is equals to probability of a1, probability of a2 given a1, probability of a3 given a1 intersection a2 up to probability of a1 given a1 intersection a2 intersection an minus 1. Iska proof. Considering the right hand side, we have observed probability of a1, probability of a2 given a1, probability of a3 given a1 intersection a2 up to probability of a1 intersection a1 intersection up to an minus 1. Next, conditional probability ki definition ko apply karte hue yahan formula likha hua hai. Probability of a1 multiplied by probability of A1 intersection A2 divided by probability of A1. इसको explain किया, probability of A1 intersection A2 intersection A3 divided by probability of A1 intersection A2 up to probability of A1 intersection A2 up to intersection AN, probability of A1 intersection A2 up to intersection AN minus 1. Probability of A1 से A1 कट गया, इसी तरीके से इससे ये कट जाएगा, इससे नेक्स्ट वाला कट जाएगा और ये इधर, तो केवल ये वाला पोर्शन हमारा बचेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 अप टू इंटरसेक्शन an, विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द थ्योरम. नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इफ a एंड b आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a इज इक्वल्स टू 0 and probability of B given A is equals to 0. If A implies B, then A is subset of B and A intersection B is equals to A. So that probability of B intersection A is equals to probability of A and probability of B given A is equals to 1. In both the cases, knowledge about the occurrence of event A gives some definite information about the occurrence of event B. However, if probability of B given A is equals to probability of B, then we can say that the information about the occurrence of event A does not have any effect on the probability of event B, and in sense, in scene A and B are independent. Iski definition dekh lete hain. The two events A and B are said to be independent whenever probability of A intersection B is equals to probability of A multiplied by probability of B. अगर दो इवेंट्स हमारे पास स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B. नोट, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से उसको सॉल्व करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जहाँ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों ही जीरो से बड़े होने चाहिए. नेक्स्ट डेफिनेशन,
द एन इवेंट्स ए वन ए टू अप टू ए एन आर सेट टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ फॉर ऑल एन वन इज इक्वल वन टू थ्री अप टू एन देन probability of A intersection A I K which is equals to probability of A I J up to probability of A I K where I 1 does not is equals to I 2 does not is equals to I K. Now we can write the above condition for the mutually independent events. Then probability of A I intersection A J is equals to probability of AI multiplied by probability of AJ for every I does not is equals to J. Then probability of AI intersection AJ intersection AK which is equals to probability of AI probability of AJ probability of AK. Yahan par bhi same condition hai, A does not is equals to J does not is equals to K. Then probability of A1 intersection A2 intersection A3 which is up to AN which is equals to probability of A1 multiplied by probability of A2 up to multiplied by probability of AN. In all we have 2 to power n minus 1 conditions of the for the mutually independent. Obviously if A1, A2 up to AN are mutually independent then we are pairwise independent also. Whenever it converse is not true. इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे क्या हम शो करना चाह रहे हैं कि अगर a1 a2 अप टू an म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो ये सभी पेयरवाइज इंडिपेंडेंट भी होंगे लेकिन इनका जो अपोजिट है कि अगर ये पेयरवाइज इंडिपेंडेंट है तो वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होंगे दिस इज ऑलवेज नॉट ट्रू इसी का एक एग्जाम्पल है काउंटर एग्जाम्पल इन विच द इवेंट्स आर पेयरवाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल A fair die is thrown two times, let A be the event that an even number comes up in the first throw and B the event that even number turns up in the second throw and C the event that both the throws leads the same number, then total number of points in the sample space is 6 multiplied by 6 which is equal to 36. अब इसको हम देखते हैं ए में क्या क्या पूरा सैंपल स्पेस होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 अप टू 6 6 तक बी का कैसे होगा स्पेस 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 अप टू 6 6 एंड सी है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 36. 18 क्यों क्योंकि टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज 18 है टोटल नंबर ऑफ केसेज 36 हैं विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 2. प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 36 विच इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 6 बाई 36 विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 6. ए इंटरसेक्शन बी इज द इवेंट that both the throws leads to the even numbers that is A intersection B is equals to 2 2 4 4 and 6 6. So probability kya hogi iski is wale event ki probability total number of favorable cases kitne hai 1 2 3 3 and total number of cases hai 36 so 3 by 36 which is equals to 1 by 12. Further A intersection C be the event that outcome of the first throw is an even number and outcome of both the throws in same number thus A intersection C iska kya banega 2 2 4 4 6 6 and A intersection C is equals to 1 by 12. Similarly B intersection C be the event that outcome of the second throw is an even number and outcome of both the throws in same number thus B intersection C is equals to 2 2 4 4 6 6 and probability of B intersection C is equals to 1 by 12. A intersection B intersection C is the event that both the throws leads to same event number A intersection B intersection C is equals to 2 2 4 4 6 6 thus A intersection B intersection C the probability 1 by 12. Hence we observe that probability of A intersection B is equals to probability of A multiplied by B
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई सी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. दैट इज ए बी एंड सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस एंड बेस थ्योरम. बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है प्रोबेबिलिटी के लिए, इसलिए इसको समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस. वी से दैट द बी वन अप टू बी के डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस ओमेगा इफ कंडीशन वन बी आई इंटरसेक्शन बी वन फॉर एवरी आई इज इक्वल्स टू जे. सेकेंड कंडीशन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल्स टू वन टू के बी आई इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड सी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी आई. रिजल्ट लेट बी वन बी टू अप टू बी के बी अ पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस ओमेगा एंड ए बी एन इवेंट. कैसा इवेंट है ये, ए इज सबसेट ऑफ ओमेगा. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू समेशन ओवर आई इज इक्वल्स टू वन टू के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आई मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई. इसका प्रूफ, सिंस बी वन बी टू अप टू बी के डिफाइन ए पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस ओमेगा, वी हैव बी आई इंटरसेक्शन बी जे इज इक्वल्स टू फाइव फॉर एवरी आई इज इक्वल्स टू डज नॉट इज इक्वल्स टू जे एंड यूनियन ऑफ जे इज इक्वल्स टू वन टू के बी जे इज इक्वल्स टू ओमेगा. फर्दर ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ओमेगा विच इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ जे इज इक्वल्स टू वन टू बी जे विच इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जे ओवर जे इज इक्वल्स टू वन टू के. हैंस यूजिंग एक्सियम फोर ऑफ द प्रोबेबिलिटी, एक्सियम फोर यूनिट वन में पढ़ी जा चुकी है. एक्सियम फोर ऑफ द प्रोबेबिलिटी मेजर्स फॉर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए वन ए टू अप टू ए थ्री अप टू ए एन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए आई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई. वी ऑब्जर्व दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू समेशन जे over 1 to k probability of a intersection bj which is equals to summation j is equals to 1 to I probability of a given bj multiplied by probability of bj by the multiplicative theorem of the probability. Now Bayes theorem. Suppose b1 b2 up to bk be the partition of the sample space omega and a be the event such as A is subset of omega, then probability of bi given A is equals to probability of A given bi multiplied by probability of bi divided by summation of j is equals to 1 to k probability of A given bj multiplied by probability of bj. Iska proof, we have probability of bi given A which is equals to probability of A intersection bi whole divided by probability of A which is also is equals to probability of A given bi multiplied by probability of bi whole divided by probability of A, where the last equality follows from the multiplicative law of the probability. Further from the previous result we have probability of A which is equals to summation over j is equals to 1 to k probability of A given bj multiplied by probability of bj. Substituting the value of pa probability of A we obtain the required result probability of bi given A which is equals to probability of A given bi multiplied by probability of bi whole divided by summation over j is equals to 1 to k probability of A given bj multiplied by probability of bj which is the required result. Now here the probabilities, probability bj's are known as a
prior probabilities. They exist before we gain any information about A, the result of an experiment. Next, the probability of A given BJs are known as likelihoods. They indicate how likely event A to occur under the information that BJ occurs. Next, the probability BJ given A are known as a posterior probabilities. They are determined after the result of the experiment are known. Ek example iska Bayes theorem ka. A bag contain 10 coins out of which 5 coins of type 1 are unbiased and remaining 5 coins are biased. Biased or unbiased? Agar ek coin hamare paas unbiased hai to usme head or tail dono hoga aur कुछ क्वाइंस हमारे बायस्ड हैं जिसमें या तो हेडेड हो सकता है या टेल टेल हो सकता है, मतलब अनबायस्ड है वो. तो हमारे पास दो तरीके के हैं क्वाइंस. अमंग बायस्ड क्वाइंस 4 क्वाइंस ऑफ टाइप 2 हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/3. आर रिमेनिंग 1 क्वाइन ऑफ टाइप 3 हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 9/10. हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 9/10 है. A coin is selected at random and tossed 3 times. इन सभी में से एक coin को at random select किया गया और उसे 3 times toss किया गया. If we get head in a row, what is the probability that the coin is of type 3? Type 3 क्या था हमारा? जिसमें head आने की probability 9/10 होगी. Solution. Suppose B1. Event the coin of type 1, B2, event the coin is of type 2 and B3, event the coin is of type 3. A kya hai? Event that we get the 3 heads in a row. Given that probability of B1 is equals to 0.5, probability of B2 is equals to 0.4 and probability of B3 which is equals to 0.1. Now, probability of A given B1 which is equals to 1/2 power 3, probability of A given B2 which is equals to 1/3 power 3 and probability of A given B3 which is equals to 9/10 power 3. A Bayes theorem. Now, probability of B3 given A which is equals to probability of A given B3 multiplied by probability of B3 whole divided by probability of A given B1 multiplied by probability of B1 plus probability of A given B2 multiplied by probability of B2 plus probability of A given B3 multiplied by probability of B3 which is equals to, ये सारे हमने यहाँ पे इसके जो values हैं वो put up कर दी, 9/10 power 3 multiplied by 0.1 whole divided by 1/2 power 3 multiplied by 0.5, 1/3 power 3 multiplied by 0.4, 9/10 multiplied by power 3 multiplied by 0.1. इसका सॉल्यूशन अगर सॉल्व करने के बाद निकालते हैं तो 0.046. समरी, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमने क्या क्या सीखा. When occurrence of an event is affected by the certain condition and numeric value of the probability of occurrence of an event varies as per the conditions, then it is conditional probability. In this case, events are not mutually independent and occurrence of one event may affect the occurrence of the other. Iske baad, Bayes theorem revised the initial probabilities of the occurrence of events which partition the sample space when as a particular event occurs. इस यूनिट को पढ़ने के बाद दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, दो चीज़ें हमारे सामने आई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है और बेस थ्योरम क्या है. आगे भी अगर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को आगे पढ़ते हैं तो यूनिट 1 और यूनिट 2 इनका एकदम आना आपको बहुत ज़रूरी है. इसी के बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है यानी नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो हमको समझ में आ सकता है.
इससे पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट था, ये हमारा पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक बेस था। इसके बाद यहाँ से ही पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टार्ट होगी, इसलिए यूनिट 1 और यूनिट 2 को बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा और आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में जो भी एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स दिए हैं, उनको सॉल्व करना होगा। थैंक यू।